हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे का रहने वाला सनी सिंह शुरू से ही क्रोधी प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसने वर्ष 2016 में पहली बार लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस इसकी तलाश में घर में दबिश देने गई थी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस के घर पहुंचने से सनी सिंह गुस्से से तमतमा उठा और उसने कुरारा थाने के बाहर गेट पर ही हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग से आसपास हड़कंप मच गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के बाद छोटा अपराध करने वाला ये सनी बड़े अपराधियों का मोहरा बन गया। जेल से बाहर आने के बाद इसने फिर कई अपराध किए, जिस पर उसे जेल की सलाखों में होना पड़ा। कुरारा थाने के इंस्पेक्टर पवन कुमार पटेल का कहना है कि सनी सिंह के खिलाफ लूट, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स और गुंडा एक्ट समेत 14 मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर सनी सिंह की थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई। पिंटू सिंह के मुताबिक पिता जगत सिंह के निधन के बाद माँ हम सभी के साथ रहती थी। इसी बीच बड़े भाई मंगल सिंह की मौत हो जाने के बाद सनी सिंह उल्टे सीधे काम करने लगा। इसकी हरकत से परेशान होकर माँ कृष्णा देवी घर छोड़कर मायके में रहने लगी। बताया कि माँ के जाने के बाद बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सनी नहीं माना और उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगा, जिस पर उसे भगा दिया गया था। उससे सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए गए थे। घर बड़े लोगों के न रहने के कारण ही सनी सिंह गलत संगत में पड़कर जुर्म की दुनिया में चला गया, लेकिन ये इतना बड़ा हत्याकांड करेगा, इसे सुनकर कुरारा क्षेत्र के सभी लोग आश्चर्यचकित है। सनी सिंह कई बार हमीरपुर की जेल गया। वर्ष 2016 में ये पहली बार जेल गया था। ये 1 साल 1 माह तक जेल में रहा। वर्ष 2019 में फिर ये जेल गया। 3 माह तक जेल की हवा खाने के बाद जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद 2019 में ही ये करीब 24 दिनों तक जेल में बंद रहा। 2019 में चौथी बार जेल की सलाखों में हुआ था। यहाँ की जेल से इसे जनवरी 2020 में शिफ्ट किया गया था। 2.5 सालों तक जेल में रहने के दौरान सनी सिंह बड़े माफिया को बेहद करीब आ गया। वर्ष 2015 से 5 सालों तक पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर सुंदर भाटी भी यहाँ जेल में रहा है, जिसके संपर्क में आने के बाद सनी सिंह ने जुर्म की दुनिया में लंबी उड़ान भरी है। एसओजी टीम ने शूटर के घर पहुंचकर शुरू की जांच। प्रयागराज में हत्याकांड में हमीरपुर के सनी सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद सोमवार को एसओजी टीम ने उसके घर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कल सुबह से लेकर लगातार इसके घर के बाहर पुलिस फोर्स मुस्तैद है, जिससे सनी के परिजन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सनी सिंह उर्फ पुराने उर्फ मोहित सिंह के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। सीओ सदर राजेश कमल पूरी रात पुलिस बल के साथ घर के बाहर डेरा डाले हैं। एसओजी टीम ने उसके घर आकर सनी सिंह के बारे में जानकारी ली। घटना के बाद सनी सिंह की बहन सरिता सिंह अपनी ससुराल देवगांव सुमेरपुर